शिवशंकर के गले में विराजे ऐसे हैं नाग देवता जो खुशियों से भर जाते हैं जीवन। जी हाँ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ इंडिया और मैं हूँ आपके साथ हिमांशु शर्मा। जी हाँ, आज भक्तों का जो मेला है वो भगवान शिव के दरबार में लगा हुआ है और भगवान शिव के सभी मंदिरों में आज नागपंचमी और सावन के सोमवार को देखते हुए काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान शिव को सभी दूध दही और चंदन का तिलक लगाते हुए कहीं ना कहीं भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सावन के महीने में नागपंचमी का जो त्योहार आता है, भगवान शिव के गले में जो सांपों का हार है, जो सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा इस दिन करते हैं, कहा जाता है कि उनका बेड़ा पार हो जाता है। और यहाँ पर तमाम महिलाएं आपको तस्वीरों में दिख रही हैं कि किस तरीके से भगवान शिव को कहीं ना कहीं जल अर्पित करते हुए सभी मनोकामनाएं अपनी मांग रही हैं। और इस तरीके से नागपंचमी जब आती है तो खुशियां अपार हो जाती हैं भक्तों के मन में। नागों की पूजा करते हुए लोग देखते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि ये भी मान्यता है कि भगवान शिव के गले में रहने वाले जो नाग हैं वो फन पर वसुधा यानी कि पृथ्वी का भार उठाते हैं, राहु केतु का प्रभाव मिटाते हैं और सभी संकट जो हैं वो दूर करते हैं। ऐसे में नागपंचमी को लेकर तमाम उत्साह भक्तों के बीच देखने को मिलता है। सावन का महीना है और ऊपर से नागपंचमी का त्यौहार है और आज सोमवार भी है। जी हाँ, भगवान शिव के चरणों में लोग अपनी अर्जी कह सकते हैं वो लगा रहे हैं। देखिए तस्वीरें सीधे। Gracias.